हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन। मैं डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुने। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है एमफिल और पीएचडी के लिए, ठीक है। जो लोग भी एमफिल या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, दोस्तों उन लोगों के लिए जो है आज का वीडियो है। तो दोस्तों वो लोग जो है जो लोग भी एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये तीन प्रोग्राम है, तीन प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे पहला है कि पीएचडी थ्रू एंट्रेंस, ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जिसको रेट 2019 बोला गया है इसमें। और दूसरा जो है डायरेक्ट एडमिशन रेट एग्जम्प्टेड करके दिया हुआ है। मतलब पहला जो टेस्ट है आप, मतलब पहला जो पीएचडी का प्रोग्राम की यदि बात करें इसमें, तो उसमें जो है रेट आपको मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और दूसरा जो उसी में दिया हुआ है कि एक जो है रेट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आगे जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किनको रेट देना है किनको नहीं देना है, एक बार आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा इसमें जो प्रोग्राम दिया हुआ है कि इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी, ये इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है कि मतलब इंटीग्रेटेड आप एमफिल पीएचडी भी कर सकते हो। ये पहला जो इसमें सब्जेक्ट दिया है कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके है। और दूसरा जो दिया हुआ है इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज थ्रू एंट्रेंस टेस्ट 2019, ठीक है। मतलब स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में दिया हुआ है कि आप जो है एंट्रेंस टेस्ट जो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में जो है मतलब आप दे सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड जो इसमें प्रोग्राम दिया हुआ है कि एमफिल थ्रू एमफिल एंट्रेंस टेस्ट 2019, इसमें जो है एमफिल में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस टेस्ट एमफिल के लिए जो है उसको देकर के आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लें कि आखिर ये वैकेंसी का, ये पीएचडी के लिए जो है एमफिल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया कहाँ पे है, तो दोस्तों ये जो है यूपी में एक यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बीएचयू, जिसको जैसा कि काफ़ी रिनाउंड है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, सभी लोग जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू को जो है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इंपॉर्टेंट डेट कब कब है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जो मैं ले चलता हूँ डेट की तरफ जो है कि आखिर कब से कब तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीट की अवेलेबिलिटी वगैरह भी दिया है, आप इसको देख सकते हो। दोस्तों इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हम लोग कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन सारे प्रोग्राम्स के लिए कब से कब तक आप कर सकते हो। तो 14/9/2019 मतलब 14 सितंबर 2019 से जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो इसमें जो है 4 अक्टूबर 2019 तक जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें जो है ये जो दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी की, मतलब डाउनलोड कर सकते हो आप इसके लिए एडमिट कार्ड जो है 16 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। और इसका डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की यदि बात करें हम लोग रेट या फिर एमफिल या फिर इंटीग्रेटेड एमफिल 2019 के लिए, दोस्तों 22/10/2019 को जो है एंट्रेंस टेस्ट इसका होना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात में एक और हम लोग कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जैसा दिया हुआ है कि ऑल डिसिप्लिन और प्रोग्राम्स मैंशनड इन दिस बुलेटिन, इस बुलेटिन में जो भी प्रोग्राम या फिर डिसिप्लिन दिए हुए हैं उनके लिए एंट्रेंस फ़ी की बात करें, तो यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में हो तो इन दैट केस आपको जो है ₹300 जो है फ़ी लगनी है। और अदर्स कैटेगरी में यदि आप हो तो ₹600 जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो है फ़ी है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों फ़ी की बात कर ली हम लोग। अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिया है कि द यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड इट्स एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल विद द डोमेन नेम www.bhuonline.in, ठीक है। मतलब एक जो है ये इसके लिए स्पेशली जो है ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो, ठीक है। जो कि ये अवेलेबल कहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी लिंक जो है दी हुई है www.bhu.ac.in, जो कि बीएचयू की वेबसाइट है, वहाँ से जा करके जो है ये जो एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल है उस पर आप जा करके देख सकते हो डिटेल। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्लीज़ आप जो है एक बार इसको डाउनलोड कर लें, पूरा डिटेल पढ़ लें प्रॉपर इसको जो है, और सेटिस्फाई हो लें, ठीक है, तब जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें। बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये काफ़ी लंबा जो है, बहुत सारे इसमें पेजेस हैं, बहुत लंबा ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में इसको जो है बताया जा सके। जैसा दोस्तों आप देख सकते हो ये 56 पेज का है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें और प्रॉपर जो है इसको
पढ़ के समझ के देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड आई थिंक आपको मिल गई होंगी। बाकी आप फॉर्म फिलअप करने से पहले इसको प्रॉपर जो है पढ़ लें समझ लें देन आप इसको अप्लाई करें। और दोस्तों इस तरह के वीडियो जो है अक्सर मैं अपने YouTube चैनल पे ये अपलोड करता रहता हूँ, जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की वैकेंसीज यदि कहीं आती है तो उसको अपडेट करते हैं। साथ ही जो है M.Phil Ph.D. का यदि कहीं फॉर्म आया है उसको, बाकी जो है नेट का जो है UGC NET ICAR NET या फिर CSIR NET से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह के सर इस तरह के अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं इस पर अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों आप अपडेट रहने के लिए चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो है बेल आइकॉन पर यदि आप प्रेस कर देते हो तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जब भी हमको YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो दोस्तों इतना पेशेंसफुली जो है आज का वीडियो आप लोगों ने वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों इसी तरह से जो है आगे भी आप बने रहें, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।